कि अगर बद अखलाकी का उन्वान रख दिया जाए क्या क्या होती, तो शायद फहरिस्त मुकम्मिल करना एक लेक्चर में नामुमकिन होगा। तो ये बद अखलाकी का आलम है। कोई शख्स दूसरे शख्स से बात कर रहा है, एक नौजवान दूसरे नौजवान से बात कर रहा है, वो उसके वालिद के ताल्लुक से बोलता है बुरे अलफाज के साथ, कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ के वालिद, उसके वालिद, उसके फादर, उसका बाप कैसा है, तो वो कह रहा है तेरा बुड्ढा कैसा है। खुद अपने बाप को एक शख्स, मेरा बुड्ढा बहुत बेकार है, फलां है, मतलब अपने वालिद के ताल्लुक से ये अल्फाज अदा हो रहे हैं। जब अपने वालिद जिसको हम कहते हैं फादर के ताल्लुक से, बाप जो बहुत मोहतरम है अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी का मुकाम है तो वालदा है, फिर वालिद है, अगर इनका ये मुकाम है तो दीगर लोगों के साथ क्या सलूक होगा, मैं समझता हूँ बहुत तफसील में मुझे जाने की और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये वालिद के साथ सलूक है, अपनी वालदा के साथ ये बदअखलाकी का आलम है, अखलाक के खिलाफ, अच्छी आदत और अतवार के खिलाफ, के ऊंची जबान से मतलब ऊंची आवाज से बात की जा रही है, बुरे भले अल्फाज जो अदा किए जा रहे हैं। और यही मामला वालदेन के अलावा बहन और भाई और दीगर लोग, पड़ोसी और आम मुसलमान और गैर मुस्लिमों के साथ